जय हिंद। इस वीडियो में देखेंगे कि आपका दानापुर में इंडियन आर्मी रिलेशन और स्पोर्टमैन की भर्ती आपका हर एक ईयर होता है, हर एक साल आपका जो भर्ती होता है। तो आज हम इस वीडियो में भर्ती संबंधी पूरी जानकारी बताएंगे। भर्ती की जानकारी हम आपको ये बताएंगे कि उस जगह पे बैच टाइम और आपका ट्रैक किस टाइप से होता है, ये सभी जानकारी देंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि ऑलरेडी पहले आप स्पोर्टमैन से बिलोंग करते हैं तो इस भर्ती में जाते हैं तो स्पोर्ट वाला कैंडिडेट को रिटेन में छूट दी जाती है, और अभी आपको कई सारा छूट दिया जाता है। किस चीज़ में आपका छूट दिया जाता है, फिजिकल मेजरमेंट में, हाइट वेट चेस्ट में भी स्पोर्टमैन का छूट दिया जाता है जिनके पास सर्टिफिकेट है। तो वो किस टाइप से सर्टिफिकेट, आपका क्या सर्टिफिकेट रहता है तो आपका छूट दिया जाता है, वो मैं आपको जानकारी बताऊंगा, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी होगा। और जो रिलेशनशिप से भी इंडियन आर्मी में ऑलरेडी पहले जो रिलेशनशिप से बिलोंग करते हैं उन लोगों के लिए भी छूट दी जाती है रिटन के एग्जाम में भी और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में भी। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि ये जानेंगे तो आपको ऑलरेडी पहले समझ में आ जाएगा कि हाँ इतना अगर हमारा हाइट है तो 2 सेंटीमीटर हमें छूट मिल जाएगा तो हम वहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सारी जानकारी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि NCC का ABC सर्टिफिकेट आपके पास है उसमें से तो आप कैसे वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ABC का रिटेन के एग्जाम में कितना नंबर कब का छूट दिया जाता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। और देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं भर्ती को लेकर, तो भर्ती को लेकर भी इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन करके बताएंगे कि कब भर्ती क्या आने वाला है, ठीक है। तो चलिए पूरी भर्ती की जानकारी समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि उस जगह पर आपका जो बैच बनता है वो आपका मिनिमम देखा जाए तो 50 के आसपास बैच बनता है, 50 से 90 आपका एवरेज बैच चलता है। लेकिन इस बार आपका भर्ती चला था तो एक बच्चे बता रहे थे कि 100 से 200 का भी एक बार बैच बना था। तो ये देखिए 100 से 200 का भी आपका बाय द वे बैच बन जाता है, लेकिन एवरेज जो आपका बैच चलता है वो 50 से लेकर 90 के आसपास आपका बैच रहता है। इसमें आपको इस टाइप से आपको घर पर तैयारी करना है, होम ग्राउंड पर, मतलब कि 100 बच्चों के साथ आपका अभी से तैयारी करना है अगर स्पोर्टमैन और रिलेशन से बिलोंग करते हैं भर्ती में जाना चाहते हैं। तो दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें आपका टाइमिंग आपको पूरा प्रॉपर दिया जाता है, 5 मिनट 45 सेकंड, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होता है। भाई ये बिहार रेजिमेंट तो दूर की बात है, सभी जितना भी BEG सेंटर या कहीं पे भी रिलेशन भर्ती होता है ना, सभी जगह आपका पूरा प्रॉपर टाइमिंग दिया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पे आपका रोड रनिंग करवाया जाता है या ग्राउंड रनिंग, तो रोड रनिंग भी कराया जाता है, आपका ग्राउंड रनिंग भी करवाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो बरसात का टाइमिंग होता है वो आपका रोड ही रनिंग करवाया जाता है, और ज़्यादातर आपका हर वक्त रोड ही रनिंग करवाया जाता है लेकिन ग्राउंड रनिंग भी करवाया जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और वहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अदर से मतलब अदर का क्या चांस रहता है, आपका रहता है या नहीं रहता, बहुत ही कम रहता है, अदर सेंटर वालों का बहुत ही कम 1 या 2% का चांस रहता है, ठीक है। यहाँ तक बाइस टाइम ट्रैक पूरा डिटेल समझे कि अब मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पे कितना बच्चों को पकड़ा जाता है, तो ये फिक्स्ड बोलना मुश्किल है, कभी कभी मान लिया जाए कि 100 बच्चों का बैच बन गया तो उसमें से 30 भी लिया जाता है 50, तो ये फिक्स हम लोग नहीं बोल सकते, इसीलिए मैं आपको पूरा ये डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूं कि आपका 50 का बैच बनता है तो आपको 25 ही लिया जाता है, अलग अलग बैच के हिसाब से कभी 10 भी लिया जाता है, कभी 15 भी, कभी आपका 30 भी पकड़ा जाता है। तो यहां तक आप पूरा डिटेल समझे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो रिलैक्सेशन जो आपका छूट दिया जाता है स्पोर्टमैन और जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं उनको किन लोग किस चीज़ में छूट दिया जाता है और कितना छूट दिया जाता है, वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सन ऑफ सर्विसमैन है, मतलब कि आपके पिताजी इंडियन आर्मी में है, तो उन लोगों के लिए, और सन ऑफ EX सर्विसमैन मतलब उनके पिताजी रिटायर कर चुके हैं, या सन ऑफ वार विडो या सन ऑफ विडो, मतलब कि जिनके पिताजी इंडियन आर्मी में है सर्विस कर रहे हैं, या पिताजी रिटायर हो चुके हैं, या उनके मतलब पिताजी शहीद हो चुके हैं वार में, या ऑलरेडी पहले मतलब कि जिनके पिताजी थे और वो देश के लिए मतलब जान निछावर कर दिए, तो ये 4 जो प्रोसेस है उनका पुत्र बिलोंग करते हैं तो उनको जो मतलब फिजिकल टेस्ट में छूट दिया जाता है, हाइट में जो छूट दी जाती है वो 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है, और वेट में आपका 2 kg का और चेस्ट में आपका 1 सेंटीमीटर, मतलब कहने का मतलब है अगर मान लिया जाए कि आपका हाइट वहाँ पर एलिजिबल के हिसाब से 170 सेंटीमीटर मांगा जा रहा है और आपका है 168 सेंटीमीटर, तो अगर आप इंडियन आर्मी में आपके पिताजी सर्विस कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं या पिताजी के शहीद हो चुके हैं तो उस पीरियड में आपका 168 सेंटीमीटर है तो आपका वहां पे सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इसमें 2 सेंटीमीटर छूट मिल जाएगा तो 170 इस टाइप से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसी तरह वेट में भी 2 kg का छूट मिलेगा और चेस्ट में भी आपका 1 सेंटीमीटर का आपका छूट मिलेगा।
अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो ध्यान से सुनेंगे कि इसमें और भी होता है कि अडॉप्टेशन, मतलब कि अडॉप्टेशन जैसे मैं जो गोद लिया हुआ बच्चा हो, जिनके सन इन लॉ अगर बेटा नहीं है तो, या सन इन लॉ है, सन इन लॉ या अडॉप्टेशन गोद लिया हुआ हो, या ऑफ वार विडो ऑफ इंडियन आर्मी, मतलब वार विडो में जो शहीद हो चुके हैं और उनके बेटा है गोद लिया हुआ, या जिनके सन इन लॉ है, तो उन लोगों के लिए भी छूट दिया जाता है, हाइट में 2 सेंटीमीटर का और वेट में इनका 5 kg का छूट दिया जाता है, और चेस्ट में इनका 3 सेंटीमीटर का। अगर चेस्ट आपका 85 मांगा जा रहा है, आपका कम है, तो इसमें 3 सेंटीमीटर कम हो रहा है, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ स्पोर्टमैन के लिए, स्पोर्टमैन के लिए कितना नंबर आपका इसमें छूट दिया जाता है, तो डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल, मतलब डिस्ट्रिक्ट एट स्टेट लेवल से बिलोंग करते हैं ये यूनिवर्सिटी, तो उसमें आपका 2 सेंटीमीटर का आपका स्पोर्टमैन कैंडिडेट का छूट दिया जाता है, और 5 kg का आपका वजन में छूट दिया जाता है, और 3 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में इसमें छूट दिया जाता है। बाकी नेशनल लेवल फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, नेशनल लेवल में जो जाते हैं स्पोर्टमैन, और फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे है, तो उनको भी वही आपका छूट दिया जाता है जो अभी मैं आपको बताया, 2 सेंटीमीटर का हाइट में और आपका 5 kg वेट में और 3 सेंटीमीटर आपका चेस्ट में छूट दिया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर रिटेन की एग्जाम है, यहाँ तक तो आप फिजिकल का पूरा समझे कि किन लोगों के लिए फिजिकल में कितना नंबर का छूट दिया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर रिटेन के एग्जाम में किन लोगों का कितना नंबर की राहत दी जाती है, छूट दिया जाता है, वो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सन ऑफ सर्विसमैन, सन ऑफ सर्विसमैन और सन ऑफ ईएक्स सर्विसमैन और सन ऑफ वार विडो या सन ऑफ विडो, मतलब जिनके पिताजी इंडियन आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, रिटायर हो चुके हैं या शहीद के दो मतलब शहीद हो चुके हैं, तो उनके जो पुत्र हैं उनको रिटेन के एग्जाम में जो रिटेन होगा 100 मार्क्स का अगर रिटेन होगा तो उनका 20 नंबर का छूट दिया जाता है कोई सा भी ट्रेड के लिए, किसी भी ट्रेड में, मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर स्पोर्टमैन के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पोर्टमैन के लिए कितना नंबर का आपका इसमें छूट दिया जाता है, तो स्पोर्टमैन के लिए जो आपका छूट दिया है इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल, इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप स्पोर्ट कर चुके हैं तो उसमें आपको 20 नंबर का रिटेन की एग्जाम में राहत दी जाती है, किसी भी ट्रेड, चाहे वो सोल्जर जीडी हो या ट्रेड्समैन हो या टेक्निकल हो, किसी भी ट्रेड में आपका छूट दिया जाता है, एनी ट्रेड्स। और स्टेट एट नेशनल लेवल, मतलब स्टेट से लेकर नेशनल लेवल में अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं, खेल चुके हैं, तो उसमें आपको 15 नंबर का छूट दिया जाता है, और यही अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर स्टेट लेवल में अगर आप गए हैं, वहाँ खेल चुके हैं, तो उसमें आपको 10 नंबर की रिटेन में छूट दी जाती है। अगर मान लिया जाए कि आपका सिलेक्शन होने वाला और आपका 10 नंबर घट रहा है, उसमें 10 नंबर अगर हो जाता तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता, तो अगर आप ये क्राइटेरिया से बिलोंग करते हैं, स्टेट लेवल में आप खेल चुके हैं, तो उसमें आपको 15 नंबर जुड़ जाएगा, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब कि इसमें नंबर आपका जुड़ जाएगा। तो इस टाइप से स्पोर्टमैन कैंडिडेट के लिए इतना नंबर का आपका छूट दिया जाता है। और मैं आपको दूसरा बता रहा हूं कि अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट के लिए क्या महत्व होता है रिटेन के एग्जाम में, तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है ना, तो इसमें आपको 5 नंबर का छूट दिया जाता है किसी भी ट्रेड में हो गया, अगर ए सर्टिफिकेट है तो एनसीसी का, जो ये जूनियर डिवीजन में आता है, और एनसीसी का अगर बी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 नंबर का छूट दिया जाता है किसी भी स्टेट, मतलब कि किसी भी ट्रेड में रिटेन के एग्जाम में। और अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो जीडी और ट्रेड्समैन की एग्जाम आपको देने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कि आपका फिजिकल और आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और फिजिकल और मेडिकल में पास करने की जरूरत है, अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं तो जीडी और ट्रेड्समैन की रिटेन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं और जीडी और ट्रेड्समैन को छोड़कर और भी ट्रेड है, टेक्निकल है और आपका नर्सिंग असिस्टेंट है, तो ये सभी में आपका रिटेन में जो आपका छूट दिया जाएगा वो आपका 15 नंबर का छूट दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके हैं, रिपब्लिक डे परेड में भी आप रह चुके हैं परेड में, तो अगर आप एनसीसी का सी सर्टिफिकेट भी प्राप्त किए हैं और रिपब्लिक डे परेड में भी रह चुके हैं, तो चाहे वो जीडी ट्रेड हो या आपका मतलब कि ट्रेड्समैन हो या टेक्निकल हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो या क्लर्क हो या स्टोर कीपर हो, तो इसमें भी आपका रिटेन देने की जरूरत नहीं है, अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है और आप परेड में शामिल है रिपब्लिक डे के परेड में, तो के बारे में बता रहा हूं। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो जीडी और ट्रेड्समैन की मतलब रिटेन के एग्जाम में केवल छूट दी जाती है और बाकी अदर ट्रेड में 15 नंबर की छूट दी जाती है। अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, रिपब्लिक डे में भी आप हैं, तो सभी ट्रेड में आपको रिटेन की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है।
तो यहाँ तक आप रिटर्न मतलब एएनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में समझे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका कंप्यूटर का सर्टिफिकेट रहेगा तो किस में आपका कितना नंबर का छूट दिया जाएगा, तो ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे, हैविंग ओ प्लस लेवल कंप्यूटर सर्टिफिकेट इशूड बाई DOEACC सोसाइटी के थ्रू अगर आपका इशूड रहेगा, जो हैविंग ओ प्लस लेवल का कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर है इशूड किस चीज़ से, DOEACC सोसाइटी से, तो आपको क्लर्क और सोल्जर क्लर्क जो आपका होता है और स्टोर कीपर होता है, तो कंप्यूटर ही से रिलेटेड काम करना होता है, तो इसमें आपको 15 नंबर की रिटेन के एग्जाम में छूट दी जाती है अगर कंप्यूटर का ओ लेवल सर्टिफिकेट है DOEACC से आपका मतलब इशूड है। तो आई होप यहाँ तक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडियन आर्मी रिलेशन भर्ती में स्पोर्टमैन और आपका जो रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो किस में आपको कितना नंबर का छूट दिया जाता है। फिर हम नेक्स्ट क्लास मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ। जय हिंद।